अगली खबर आ रही है सोनभद्र से, जहां अवैध खनन की सूचना को मंडलायुक्त द्वारा संज्ञान में लेते हुए 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। बालू खनन शुरू होते ही पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खनन माफिया नदी किनारे पेड़ और झाड़ियों का कटान कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीच नदी में रास्ता बनाने के लिए जंगल के पेड़ व पौधे काटे जा रहे हैं। पेड़ों की कटान कर प्रतिदिन दर्जनों ट्रैक्टर ट्रालियों से ढुलाई हो रही है। बालू खनन के लिए खनन माफिया नदी की दिशा को मोड़ दिया है और पेड़ की कटाई को अंजाम दे रहे हैं। Hey!